डीएवी स्कूल हमीरपुर के कुछ अभिभावकों ने एनुअल चार्ज को लेकर गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस मुद्दे को लेकर एच टुडे चैनल द्वारा डीएवी स्कूल के प्रधानाचार्य से बातचीत की। नमस्कार दर्शकों, कल हमीरपुर में जो एजिटेशन कह सकते हैं, डीएवी पब्लिक स्कूल के कुछ पेरेंट्स ने कल एडीसी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि एनुअल चार्जेस जो है वो स्कूल मांग रहा है और वो उसे देना नहीं चाहते हैं। इसी भ्रम को लेकर आज हम डीएवी हमीरपुर पहुंचे हैं। हमारे साथ है डीएवी के प्रिंसिपल मिस्टर विश्वास शर्मा जी हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा, क्योंकि कल कुछ पेरेंट्स जो थे वो गांधी चौक पर इकट्ठा हुए, उसके बाद उन्होंने एडीसी को एक ज्ञापन सौंपा है एनुअल चार्जेस को लेकर, स्कूल उस पर क्या क्लेरिफाई करना चाहेगा? सबसे पहले आप सुनने वाले सभी दर्शकों को और हमारे सभी पेरेंट्स को मैं बसंत पंचमी की बधाई देता हूँ। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि आज के दिन जब हम बच्चों को शिक्षा की बात करते हैं और आज के दिन दिवस एक विद्या का दिवस माना जाता है, इस दिवस पर हम इस विषय में बात कर रहे हैं। कल कुछ पेरेंट्स ने डीसी साहब के पास जाकर जो ज्ञापन सौंपने की बात की या जिस तरह की उन्होंने आरोप लगाए हैं, मैं आपको ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि ये सभी बातें एक भ्रम की स्थिति है। स्कूल एनुअल चार्जेस जो हैं वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी, और सैलरी का भी कुछ पोर्शन जो है वो एनुअल चार्जेस से लिया जाता है। आप जहाँ अभी खड़े हैं इस रूम में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देयर इज़ अ कैमरा। ये कैमरास पूरे स्कूल में 104 की क्वांटिटी में आज हैं, जिनकी रिपेयर मेंटेनेंस सरकार की तरफ से हमें किसी भी तरह की कोई एड नहीं मिलती है। जो डेवलपमेंट स्कूल में की जाती है, बसेस के टैक्सेस हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरीज हैं, या बसेस में कैमरास, जीपीएस सिस्टम्स या जो भी चीज़ें हम एम्प्लॉय करते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन, वो इन एनुअल चार्जेस से लिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं सभी पेरेंट्स से भी ये साझा करना चाहूँगा कि स्कूल जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करता है, या हम बच्चों की जो ग्रुप इंश्योरेंस करते हैं जिसमें हर बच्चा इंश्योर्ड है, इन केस भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता अगर कोई मिसहैप होता है, तो वो सब इन्हीं चार्जेस से लिया जाता है। प्रिंटिंग स्टेशनरी चार्जेस, आजकल जो कल पेरेंट्स ने कहा कि हमारे बच्चे एक दिन भी स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन उन सब के एग्ज़ाम्स हुए हैं, ऑनलाइन पेपर लिए गए हैं, उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है फॉर द सीबीएसई, फॉर द मेंटेनेंस के इंटरनल असेसमेंट्स कैसे दी गई हैं, तो वो सारी प्रिंटिंग होती है, स्टेशनरी लगती है, कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, प्रिंटर्स यूज़ होते हैं, तो ये सभी चार्जेस एनुअल चार्जेस से लेकर हम लोग उस चीज़ को भरपाई करते हैं। सर, आपने जो जितना भी डिस्क्रिप्शन किया है, कहीं ना कहीं एक जो बार बार प्रश्न है वो पेरेंट्स में भी है, जो लगभग, क्योंकि वहाँ कुछ पेरेंट्स आए थे, तो मैं चाहूँगा कि क्योंकि आप हमारे चैनल में आए हैं, तो दर्शकों को कम से कम उन पेरेंट्स को ये क्लैरिफाई हो कि आखिर इसी पर ही भ्रम क्यों पैदा किया जा रहा है। बात यही है कि कुछ भ्रम के, आपने कल अगर उस वीडियो को देखा हो तो उसमें पेरेंट खुद कह रहे हैं कि जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया वो अब यहाँ उपस्थित नहीं है, उन्हें वहाँ इकट्ठा किया गया, उन्हें ये चीज़ बताई गई कि आप ऐसा कहिए या ऐसा बोलिए, स्कूल का नाम लेने के लिए बार बार पीछे से उकसाया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं, डीएवी संस्था एक बहुत बड़ी संस्था है जिसने अपना योगदान हर जगह दिया है, छोटे छोटे कस्बों में भी, जन जिन जगहों पर सरकार हमारी स्कूल्स नहीं चला पाई है, डीएवी एक अच्छा कार्य कर रही है, हमारी मैनेजमेंट है, जिन लोगों ने भी जेन्युइन केसेस हैं, जिनकी कोई इस कोरोना काल में किसी के पारिवारिक सदस्य की मृत्यु हो गई है या किसी की नौकरी चली गई है, उनका हम स्कूल में आएँ, हमसे बात करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो आएँ, जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं, अगर उनकी कोई परेशानी है, स्कूल उसको ज़रूर सुनेगा। हम अपने लेवल पे भी स्कूल से जो हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, अगर कोई बहुत गरीब है, बीपीएल है, लेकिन हमें उसका वो सर्टिफिकेट देंगे। डीसी साहब से भी मेरा एक अनुरोध है कि जिन लोगों के भी जेन्युइन केसेस हैं उन्हें हम सुनेंगे, लेकिन जो लोग जानबूझकर या इसको एक सिर्फ मुद्दा बना रहे हैं, हालांकि उन्हें इस पूरे कोरोना काल में सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं, उनकी सैलरीज नहीं रुकी हैं, उन्हें हर इवन की इंक्रीमेंट्स तक मिले हैं,
उन लोगों ने इस चीज़ को उठाने का जो बीड़ा उठाया है, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कृपया किसी को भी मिस गाइड ना करें, क्योंकि ये स्कूल्स हैं, एक परसेप्शन बना दिया जा रहा है कि सभी प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो सिर्फ लूट खसोट का विषय हैं। आप डीएवी स्कूल के किसी भी पेरेंट से बात करें, डीएवी स्कूल पिछले इतने सभी सालों में, हमीरपुर की ही नहीं, मैं हर पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, प्रेसिडेंट साहब के साथ बच्चे मिलने जा रहे हैं, हम गर्व से कहते हैं कि परीक्षा में चर्चा पे प्रधानमंत्री जी के साथ सिर्फ 3 बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं और उनमें 3 बच्चे डीएवी के हैं। सो हम सिर्फ एक ये नहीं है कि स्कूल के, अब आप देखिए कि इन दिनों में सैनिटाइजेशन हो रही, हर बस में सैनिटाइजेशन होती है 2 बार, हर बिल्डिंग में, हर कमरे में सैनिटाइजेशन हो रहा है। बच्चों को ये ज़रूर कहा जाता है कि आप अपना कैरी करें, ताकि आप बस में अगर कहीं किसी सरफेस को छूते हैं या कहीं किसी जगह आते हुए जाते हुए, तो वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए। स्कूल अदरवाइज अपनी तरफ से हर चीज़ कर रहा है और ऑब्वियसली आप समझ ही सकते हैं कि इसका खर्चा कितना बैठता है। सर, एनुअल चार्जेस की बात करें, क्योंकि अभी मार्च आने वाला है, नेक्स्ट सेशन भी आने वाला है जो सरकार की तरफ से है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स में एक बर्डन की भी स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि एज अ पेरेंट मैं भी एक पेरेंट हूं, तो मैं भी देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक बर्डन है। आप तो उसके लिए स्कूल की तरफ से अगर बात की करने को आए तो क्या हो सकता है? देखिए, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, आपने अभी थोड़े दिनों पहले अगर टीवी पर भी देखा होगा, सोशल मीडिया में भी ये बहुत ज़्यादा प्रचारित हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आई है, रूलिंग आई है कि चार्जेस फीस देनी होगी, लेकिन वो किश्तों में दी जा सकती है। हम किसी भी पेरेंट को ये प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कि आप कल दे दें और अभी दे दें, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। किसी भी स्कूल ने, किसी भी डीएवी ने किसी को प्रेशराइज नहीं किया है। जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि अगर किसी के जेन्युइन ग्रीवेंस, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज रहे हैं इस टाइम में, वो हमें आकर बताएं और वो अपनी चीज़ को इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। 6 इंस्टॉलमेंट्स की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हमने ये डिसीजन लिया था, और ये मिथ्या है, बिल्कुल निराधार बात है कि किसी भी पेरेंट को प्रेशराइज किया जा रहा है। किसी को हम प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि, हम थैंकफुल हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे पेरेंट्स जो खुद बढ़कर आगे आए कि यस, स्कूल ने भी, हमारे सभी टीचर्स ने 2-2 शिफ्ट में काम किया है। कुछ ऐसे भी हैं जो फैमिली वाले हैं, जिनकी वाइफ्स हैं, पढ़ा रही हैं स्कूल में, हमने ऑनलाइन एग्जाम्स लिए हैं जिनमें उन्होंने इस शाम को पेपर लिया, पेरेंट्स की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली अपनी क्लासेस एडजस्ट किया, पेरेंट्स के टाइमिंग के अकॉर्डिंगली, और शाम को 8-8:30 बजे तक टीचर्स ने ऑनलाइन भी एग्ज़ाम में ड्यूटीज़ दी हैं। तो मेरा एक हम्बल सा रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि जब आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, जब आप ये मानते हैं कि डीएवी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, एक अच्छी संस्था है, और हम लोग अपने सामाजिक उत्तरदायित्व से भी कहीं हटते नहीं हैं, तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि स्कूल का साथ दें। ये पेरेंट, ये टीचर्स भी डिग्निटी और ऑनर के साथ अपनी सैलरी डिजर्व करते हैं। इस तरह से आप बच्चों के सामने भी एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हम बच्चों को वैल्यूज़ की बात करते हैं, मॉरल्स की बात करते हैं, वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होंगी अगर इस तरह से पेरेंट्स ही उनके सामने गलत एग्जाम्पल सेट करेंगे। सर, ऑनलाइन की जैसे आपने बात की कि वो हुआ, मैं एक जानना चाहूँगा, क्योंकि मैक्सिमम गाइडलाइंस हैं जो सेंटर की भी हैं, स्टेट की भी हैं, कि आप अपना पूरा डाटा जो है फीस का, एक्सपेंडिचर्स का, जो भी है वो ऑनलाइन करेंगे, तो क्या डीएवी इसमें अपना भागीदारी निभाता है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी चीज़, पूरी फीस, हर चीज़ हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, जो कि पेरेंट को यहाँ पर एडमिशन के टाइम बता दी जाती है। हम कोई एडमिशन चार्जेस नहीं लेते, 1 टाइम एडमिशन चार्ज वही लिया जाता है जब बच्चा एडमिशन करता है, उसके बाद +2 तक कोई एडमिशन चार्जेस नहीं है। हर चीज़ वेबसाइट पर अवेलेबल है, जो कंसेशंस पर पढ़ रहे हैं उनका भी एक प्रॉपर रिकॉर्ड है, आदरणीय डीसी साहब से, स्कूल चेयरमैन के थ्रू, या किसी भी तरह से हमारे पास जो भी कोई रिक्वेस्ट आती है कि ये बहुत पुअर हैं, बिलो पॉवर्टी हैं, या आप इनको अकोमोडेट करें, स्कूल उन्हें अकोमोडेट करता है। मैं ये भी बताना चाहूँगा अपने आपके सभी सुनने वालों को कि डीएवी स्कूल में अगर आप एक फीस कार्ड भी लेते हैं तो उसकी रिसीट जनरेट होती है। आप जब यहाँ पर किसी बच्चे का आधार अपडेट करने के लिए या स्टडी सर्टिफिकेट लेने आते हैं, या कुछ जो पेरेंट्स जिनको रिइंबर्समेंट मिलता है वो लेते हैं, तो उसमें भी एक कागज़ यूज़ होता है।
ईयर के एंड में एक हम पेरेंट्स को रिपोर्ट कार्ड देते हैं, आई कार्ड्स दिए जाते हैं, क्या उसके चार्जेस लिए जाते हैं? वो सभी चीज़ें ये एनुअल चार्जेस ही कॉम्पनसेट करते हैं जो कि स्कूल वहाँ से उनको उठाता है। नॉन टीचिंग हमारी बसेस 9 महीने नहीं चली, लेकिन टैक्सेस पे किए गए, सभी टैक्सेस पे किए गए, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, आयाज, दे आर बीइंग पेड। हमने किसी को स्कूल से निकाला नहीं है, किसी की सैलरी नहीं काटी है, ना रोकी है। 9 मंथ्स हमने पे किया है और ये सभी पॉसिबल हुआ है पेरेंट्स की ही भागीदारी से। हम थैंक यू करना चाहेंगे उन सभी पेरेंट्स को जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हमें सपोर्ट किया, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो ये थे हमारे साथ डीएवी के प्रिंसिपल, जिन्होंने बताया है कि जो एनुअल चार्जेस है वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं, और जो पेरेंट्स में भ्रम है उस पर भी उन्होंने अपनी जो सुझाव है वो भी रखे और सब कुछ रखे। इसी मुद्दे पे हमने कुछ पेरेंट्स से भी थ्रू वेब बात की है और आपको दिखाते हैं कि क्या कहा है उन्होंने। नमस्कार, मैं अभिभावक सोनिका डोगरा। कोविड-19 के दौरान डीएवी संस्था की करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। एक अभिभावक होने के नाते कोविड-19 के दौरान हुई शैक्षणिक गतिविधियों से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरा बेटा स्कूल नहीं जा रहा है, उसकी शैक्षणिक गतिविधियों में किसी प्रकार की कोई रुकावट आई है। टीचर्स जो है समय समय पर ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे हैं और बच्चों को इवेलुएट करते रहे, और शिक्षकों की मैं बड़ी आभारी हूँ जिन्होंने बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पूर्णतः पार्टिसिपेट करवाया और कोविड-19 के बारे में भी बच्चों को दिशा निर्देश देते रहे। अंत में मैं स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय और अन्य अध्यापक वर्ग का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पूर्णतः सहयोग दिया, और सभी डीएवी स्कूल के शिक्षक बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं डिंपल शर्मा, दार्शिव कश्यप की मदर। मेरा बेटा सेकंड बी में पढ़ता है और मैं डीएवी के बारे में कुछ बोलना चाह रही थी। डीएवी स्कूल में मेरे बेटे ने जुलाई में एडमिशन लिया था। इससे पहले वो फरीदाबाद में स्टडी कर रहा था, एंड इन 6-7-8 मंथ्स से जितने भी मंथ से वो यहाँ पढ़ रहा है। मैं डीएवी से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मेरे बच्चे ने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। इवन मैं इसके पहले जिस स्कूल में पढ़ता था नारायणा ई टेक्नो, मैं उसमें इतनी सेटिस्फाइड नहीं हुई मैं जितनी इस स्कूल में हुई। टीचर्स का जो पढ़ाने का तरीका है, जिस तरह से वो पढ़ाती हैं, एक्टिविटीज कराती हैं, रीडिंग एक्टिविटीज एंड हर फेस्टिवल पे जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं, उनसे मैं बहुत खुश हूँ। नमस्कार। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मे श्री गुरुवे नमः। मायसेल्फ उषा, मदर ऑफ अथर्व सोंखले, हु स्टडिंग इन सेकंड क्लास इन डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर। आई रियली अप्रिशिएट दिस इनोवेटिव मूव ऑफ टीचिंग लर्निंग इंटरेक्शन इनिशिएटेड बाय डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर, स्पेशली फॉर दिस कोविड-19 लॉकडाउन सिचुएशन। इट इज ऑल्सो फॉर्मिडेबल चैलेंज फॉर बोथ स्टूडेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रन हु हैव बीन थ्रोन इन टू सच सिचुएशन, बट दे हैव राइजन टू द ओकेजन रिमार्केबली। टीचर्स दे आर टेकिंग देयर लाइव क्लासेज, सेंडिंग ओन पर्सनल वीडियोज, sending WhatsApp messages, YouTube videos supporting the topic and the chapters, means they are using different ways to deliver the content in best creative and personalized manner. Since earlier shops were also closed, most of the students, they were not having the books for the current session, but teachers, especially Vijaya ma'am and Nisha ma'am, they were sending the PDF of the text to help the children in this situation. They are not restricting the children to the subject only, but also sending poems, art and craft work for the overall development of the children, and keeping these energetic tiny tots busy in best possible way. Teachers, principal sir and other workers, they are working tirelessly for the bright future of our kids. They are available on a single phone call to clear any doubts or any query of any topic. A convenient timetable has been set which can help the students as well as we working parents to manage the office, work and studies of the child. Not only our kids, but maybe it's me also who is learning from the teachers.
the patience in the end. I would like to thank all of you with deepest regard from my heart. Har kaam aasan ho jata hai jab ek sachche shikshak ka sanidhya milta hai. फिर चाहे जितने भी उतार चढ़ाव क्यों न आए, एक शिक्षक के चरणों में हमेशा ठहराव मिलता है. धन्यवाद. गुड आफ्टरनून. हम स्कूल प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है. अगर हमारे बच्चों से फीस ले रहे हैं तो वैसे ही वो स्टडी भी करवा रहे हैं. ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं. बहुत अच्छे से बच्चे इम्प्रूव कर रहा है. हमें स्कूल से कोई दिक्कत नहीं है. और अगर स्कूल फीस ले रहा है तो उसमें बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं. धन्यवाद. गुड मॉर्निंग एवरीवन. बीइंग ए पेरेंट ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर, टुडे आई एम शेयरिंग माय ओन एक्सपीरियंसेस विद एवरीवन. एज ऑल वी नो दैट द लास्ट ईयर वाज वेरी अनप्रेडिक्टेबल ड्यू टू कोविड-19, बट डीएवी इंस्टीट्यूट हैज डन रिमार्केबल जॉब इन दिस फील्ड. दे प्रोवाइडेड ऑनलाइन क्लासेस फॉर आवर किड्स दैट लीड टू देयर all round development. Also they are flourishing our kids very nicely. They are providing moral education also, so I am very happy with their very special efforts for our kids. I would like to thank respected principal sir, managing committee and all the staff members of this institute, and I support DAV institute at with every step. Thank you and have a nice day. नमस्कार. मेरा नाम मोनिका राणा है. मैं रसूल राणा की मदर बोल रही हूँ. मेरा बेटा डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर दूसरी क्लास में पढ़ता है. मैं डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य और स्टाफ के सभी मेंबर, अध्यापक और अध्यापिकाओं का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने कोरोना वायरस के समय में भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा. आज मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ. ऑनलाइन कक्षा आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है. ऑनलाइन शिक्षा इस समय सभी छात्रों के लिए वरदान साबित हुई है. ऑनलाइन कक्षा के कारण छात्रों के लिए अपने पाठ्यक्रम को समझना आसान हो गया है. ऑनलाइन कक्षा के कारण हम इस कोरोना वायरस के समय में भी अपनी पढ़ाई को कर पा रहे हैं. ऑनलाइन कक्षा में शिक्षक अपने विषय की रिकॉर्डिंग बनाकर छात्रों को दे देते हैं, जिससे पिछड़े छात्रों को बहुत मदद मिल पा रही है. ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम कहीं भी रहकर अपनी क्लास में भाग ले सकते हैं. ऑनलाइन कक्षा की वजह से शिक्षक और छात्रों के मध्य की दूरी समाप्त हो गई है. ऑनलाइन कक्षा शिक्षा का एक नया तथा आधुनिक डिजिटल तरीका है. धन्यवाद.